जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम डे 40 यानी कि डे 40 का जो टेस्ट सीरीज था उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए डे 40 जो टेस्ट था उसका टॉपिक था जगत, और इसके अंतर्गत जो है पांच जगत होते हैं, पादप जगत, प्राणी जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और मोनेरा जगत, और यही से जो है सारे जो है क्वेश्चन जो है इसमें जो पूछा गया है। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में एक क्वेश्चन तो निश्चित है जो यहाँ से पूछेगा ही, और सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो पादप जगत से पूछा गया है। पादप जगत में कहाँ कहाँ से, तो देखिए पादप जगत में जो है पादप के उत्तक, पादप का पोषण कैसे होता है, पादप में होने वाले रोग, इन सभी चीजों को जो है अब जो बारीकी से जो देखें। तो ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, बोल रहा है कि ऑप्शन से आप चूज कीजिए। तो देखिए कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि उत्पादक और हरिण दिया हुआ है, तो यह जो है हरिण जो है क्या उत्पादक की श्रेणी में आता है, नहीं ना आता है, तो यह जो है प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, तो यह तो नहीं होगा, यह गलत है। और दूसरी देखिए प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, क्या तेंदुआ जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, तो देखिए तेंदुआ जो है द्वितीय उपभोक्ता। आप बोलेगा कि द्वितीय उपभोक्ता कैसे हो गया, तो देखिए तेंदुआ जो है मांस खाता है और मांस खाने वाले जीव को जो है द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है गौण उपभोक्ता घास दिया हुआ है, तो आप बताइए घास जो है गौण उपभोक्ता है, नहीं, वो तो खुद जो है उत्पादक की श्रेणी में आता है, तो यह भी जो है गलत हो गया। अब देखिए डी नंबर का ऑप्शन है अपघटक और जीवाणु, तो देखिए हाँ जीवाणु जो है अपघटक होते हैं, तो इसलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सही सुमेलित कौन है, तो इसमें जो है डी नंबर का ऑप्शन होगा अपघटक और जीवाणु। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन है मटर पौधा है, बोल रहा है कि मटर पौधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, साक हो जाएगा। अब देखिए अगर बात कर लेते हैं मटर की, तो देखिए मटर जो है द्विबीजपत्रीय पौधा है, कौन सा पौधा है, तो द्विबीजपत्रीय, इसमें जो दो बीज जो है होते हैं। और अगर बात करें मटर किस सीजन में उगाया जाता है, तो यह जो ठंड के मौसम में जो है उगाया जाता है। और अगर बात करें तो देखिए ग्रेगर मेंडल जो है मटर के पौधे पर ही जो रिसर्च करके प्रयोग करके जो है आनुवांशिकता की खोज की थी, तो यहाँ से जो है ग्रेगर मेंडल वाला जो है ये जो है मटर के पौधे पर उन्होंने जो आनुवांशिकता की खोज की, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा रफलेसिया। ये सारे जो है आपको जो याद रखना है, ये जो है ज्यादातर जो है याद करने पे जो है डिपेंड करेगा, हल्का कॉन्सेप्चुअल भी है लेकिन जो है ज्यादातर जो है इस पे आपको फोकस करना है वो याद करने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा रफलेसिया। वहीं पर अगर बात करें कि आखिर ये पाया कहाँ जाता है, तो देखिए यह जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है पाया जाता है। अगर बात करते हैं पर क्वेश्चन घुमा के कि संसार में सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो सबसे बड़ा पुष्प तो है रफलेसिया लेकिन सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो आपको आंसर देना है वुल्फिया, क्या वुल्फिया। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो आप ही बताइए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो जड़ होगा ना, बिना जड़ के पत्ती होगा, फूल होगा, तना होगा, नहीं ना होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं जड़ की, तो देखिए जड़ जो है पौधे का एक भाग होता है, क्या है, तो पौधे का भाग होता है, जैसे कि पौधे का भाग कौन कौन सा होता है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, जड़ जो है पौधे का एक भाग है जो क्या करता है, तो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकर से विकसित हो जाता है और प्रकाश के विपरीत दिशा, अब प्रकाश कहाँ से निकलता है, तो प्रकाश ऊपर से, तो वो उसके विपरीत दिशा किधर, तो भूमि के नीचे की तरफ जो है वह जो है बढ़ता जाता है। अब अगर बात करें कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए जड़ जो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मुसला जड़ और होते हैं अपस्थानिक जड़। अब बात कर लेते हैं मुसला जड़ की, तो देखिए मुसला जड़ में जो है द्वि बीज पत्र वाले पौधे आते हैं, कितने बीज पत्र वाले, तो दो बीज पत्र वाले पौधे आते हैं, और इसमें जो है द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ भी पाए जाते हैं, कौन सा जड़, तो द्वितीयक एवं तृतीयक जड़। अगर आप बोले कि मुसला जड़ के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आ जाएगी, तो देखिए इसमें जो मूली आ जाएगी, गाजर आ जाएगी, सलजम, चुकुंदर, राइजोफोरा और सुंदरी जो है इसमें जो आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं, तो देखिए यह जो है एक बीज पत्र वाले जो है होते हैं, और इसमें अगर बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएगा पौधा, तो देखिए इसमें जो शकरकंद का, आम, हल्दी, अंगूर, करेला, बरगद, गन्ना, पान, मक्का, अमरबेल, ETC जो है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। अब पांचवा नंबर का क्वेश्चन है
तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? बोल रहा है कि वह कौन सा है जिसका जो तना जो है काटा जाता है प्रवर्धन के लिए, मतलब कि रोपने के लिए। तो देखिए, गन्ने को जो है काटा जाता है, क्यों? क्योंकि यह जो है सहारा प्रदान करता है, इसलिए जो इसे काटा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा गन्ना। अब बात कर लेते हैं गन्ना के बारे में। तो देखिए, गन्ना जो है ये जो स्तंभ मूल वाले पौधे होते हैं, क्या होते हैं? तो स्तंभ मूल वाले जो है पौधे होते हैं। तो इतने जो आपको जो याद रखना है। अब देखिए, छठा नंबर का क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा बीज में। अब बात कर लेते हैं बीज के बारे में कि बीज का प्रजनन जो है पुष्प से होता है। किस चीज़ से? तो पुष्प से होता है। और बीज जो है स्थलीय एवं जलीय पौधे होते हैं। कौन से पौधे? तो स्थलीय एवं जलीय पौधे होते हैं। और यह जो एक बीज पत्री और दुई बीज पत्र वाली होते हैं। क्या? तो एक बीज पत्री और दुई बीज पत्र वाली। अगर बात करें एक बीज पत्री वाली में क्या होता है, तो देखिए इसकी जड़ें जो है अत्यधिक जो है विकसित नहीं होती है। और इसमें जो है क्या होता है, तो संवाहक पुल में जो है कैम्बियन नहीं पाया जाता है। लेकिन वही बात करें दुई बीज पत्री, तो देखिए इसमें जो विकसित होते हैं जड़ें, और इसमें जो है संवहन पुल में जो कैम्बियन जो है पाया जाता है। तो इतने जो फर्क जो है आपको याद रखना है। अब देखिए, सात नंबर का क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पत्ती, हो जाएगा। और पत्ती को ही जो पर्ण कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पर्ण अगर लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि पत्ती ही कह रहा है। और अगर बात करें इस पत्ती की, तो यह जो है तना और शाखाओं के पूर्व संधियों से निकलने वाली पार्श्व जो है असमान भाग होता है। कौन सा भाग होता है पत्ती? तो तना और शाखाओं की पूर्व संधियों से निकलने वाला पार्श्व असमान भाग होता है। और इसमें अगर बात करें, तो इसमें जो है हरित लवक या कहें तो क्लोरोफिल जो है पाया जाता है। अगर बात करें कि पत्ती के कितने भाग होते हैं, देखिए पत्ती को जो है तीन भाग होते हैं। एक होता है पत्राधार, और दूसरा होता है पत्रविरिंत, और तीसरा होता है पत्रफलक। अब पत्राधार किसे कहते हैं? तो देखिए यह जो है पत्रविरिंत और स्तंभ को क्या करता है? जोड़ता है। और यही पत्री का जो है आधार होता है। जितने भी पत्ती होता है उसका आधार क्या होता है? तो पत्राधार होता है। तो यह भी आपको जो याद रखना है। अब बात कर लेते हैं पत्रविरिंत क्या है। तो देखिए, पत्तियों में जो लंबा डंठल जो होता है, आप देखे होंगे पत्तियों में लंबा जो डंठल होता है उसे जो है पत्रविरिंत कहा जाता है। और पत्रफलक किसे कहा जाता है? तो यह जो पत्ती का हरा चपटा एवं फैला हुआ जो भाग होता है उसे जो है क्या कहा जाता है? पत्रफलक कहा जाता है। अगर पत्ती के मुख्य कार्य की बात करें, तो देखिए यह क्या करता है? जल और भोज पदार्थों का जो है परिवहन करता है। क्या करता है? जल एवं भोज पदार्थों का जो है परिवहन करता है। और अगर बात करें कि पत्ती कितनी प्रकार की होती है, तो पत्ती जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल पत्ती और दूसरी होती है संयुक्त पत्ती। अब आठवां नंबर का क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा शुष्क पुष्प कली। और अगर बात करें शुष्क पुष्प कली की, तो देखिए पुष्पों का जो अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो एंथोलॉजी कहलाता है। तो आपको यह भी याद रखना है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि जिस पुष्प में पुष्प के चारों चक्र उपस्थित हो उसे जो है पूर्ण पुष्प कहा जाता है, और जिसमें जो है पुष्प के चारों चक्र उपस्थित नहीं हो उसे जो है अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। तो ये भी जो आपको याद रखना है। अब बात करिएगा कि भाई चारों चक्र होते क्या हैं? तो देखिए चारों चक्र किसे कहते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग को जो है क्या कहते हैं? तो चारों चक्र कहते हैं। अब बात करें कि इसका कार्य क्या है, तो देखिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है क्या करता है? तो यह जो है पुष्प का जो है सहायक अंग कहा जाता है। तो देखिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है इसका काम क्या है? तो देखिए यह जो है पुष्प का जो है सहायक अंग होता है। और पुमंग और जायंग की बात करें तो यह जो है आवश्यक अंग होता है। तो आपको यह भी याद रखना है, अगर पूछ देगा पुष्प का सहायक अंग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है बाह्य दलपुंज और दलपुंज। और अगर बात करें आवश्यक अंग कौन सा होता है, तो पुमंग और जायंग होता है। अब देखिए नौ नंबर का क्वेश्चन है, पादप कली है। बोल रहा है कि पादप कली क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा एक भ्रूणीय जो है टहनी है। अब देखिए दसवां नंबर का क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर्क रोग यानी कि कैंसर जो कहते हैं वो जो उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू से जो है कैंसर रोग भी जो है होता है। अब बात कर लेते हैं तंबाकू के बारे में। तो देखिए तंबाकू के पौधे में रोग लगते हैं। अगर बात करें कि यह जो है किसके कारण यह रोग होता है तंबाकू के पौधे में, तो देखिए टोबैको मोज़ेक नाम का वायरस होता है, इसी के कारण जो है तंबाकू के पौधे में जो है रोग लगते हैं। और अगर बात करें तंबाकू में, तो देखिए तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है। तो इतना जो आपको याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है निकोटीन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा हेलोफाइट। क्यों? तो देखिए हेलोफाइट जो है अधिक सांद्रता वाले मृदा में जो है
उगने वाले पौधे होते हैं। वही बात करें हाइड्रोफाइट की, यह जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, और बात करें जीरोफाइट की, तो यह जो मरुस्थल में उगने वाले जो है पौधे होते हैं। तो इतने जो आपको जो याद रखना है। 12 नंबर का क्वेश्चन, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा जाइलम। देखिए जाइलम का काम क्या है, तो जितने भी खनिज होते हैं, जल होते हैं, सारे को जो है नीचे से वो जो है ऊपर तक ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? तो भोजन बनाने के लिए। और वहाँ से देखिए दूसरा कार्य क्या होता है, तो ऊपर से जो नीचे की ओर जो पहुँचाता है, भोजन जब तैयार हो जाता है तो उस भोजन को जो है पौधे के अन्य भागों में जो पहुँचाता है उस वो किसका कार्य है? तो वो जो है फ्लोएम टिश्यू का है। तो आपको यह भी याद रखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सिकुआ। सिकुआ जो है संसार का जो है सबसे लंबा वृक्ष है। आपको जो यह जो याद ही रख लेना है, क्योंकि वन लाइनर है, और जब तक आप इसे याद नहीं करिएगा तब तक तो असंभव है टॉपिक से जो है क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखिए अब बात कर लेते हैं देवदार के बारे में। तो देखिए देवदार जो है पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला जो पौधा होता है, और अगर बात करें यूकेलिप्टस की, तो यह जो है आतंकवादी पौधा के नाम से यह जो है जाना जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है किसे आतंकवादी पौधा कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, आर्कियोप्टोरिक्स है, बोल रहा है कि क्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा जरैसिक युग का जो है सर्व पुरातन पक्षी। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जीवाश्म जो है लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जैरेसिक चट्टानों से मिले हैं। कहाँ से? तो जैरेसिक चट्टानों से। और इसकी अगर बात करें इस पक्षी की, तो देखिए इसके सरीसृप की तब भांति जो है इसकी जो लंबी पूंछ थी, चोंच में दांत थे, तथा अग्रपादों की उंगलियों पर जो है पंजे थे। लेकिन जो है यह पक्षी की तरह उड़ सकता है इतना गुण रहते हुए भी। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग प्राणी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा कछुआ। देखिए सरीसृप का मतलब क्या होता है, तो देखिए सरीसृप का मतलब होता है जो जल और थल दोनों पर रहता है, परंतु थल पर जो है वह जो है रेंग कर चलता है, यानी कि भूमि पर जो है वह जो है रेंग कर चलता है, उसे जो सरीसृप कहा जाता है। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं, बोल रहा है कि किस वर्ग में जो है वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा स्तनी वर्ग में जो इसे जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। और डॉल्फिन को जो है आपको यह भी याद रखना है कि इसे जो जलीय जीव जो घोषित किया है, क्या? तो जलीय जीव जो है घोषित किया है, और यह कहाँ पाया जाता है? यह जो गंगा में पाया जाता है। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है? तो देखिए राष्ट्रीय स्तनी का दर्जा किसे प्राप्त है? तो जो है बाघ को जो है राष्ट्रीय स्तनी का जो है दर्जा प्राप्त है। 18 नंबर का क्वेश्चन, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हमें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि हम बताए थे कि जो मांस खाने वाले जितने भी होंगे वो जो है द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे, शाकाहारी वाले जो है प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे, और जो शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी दोनों होते हैं तो उसे जो है तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। तो इतने फैक्ट जो आपको याद रखना है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बी, हो जाएगा मटियोलिज्म। देखिए 66वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, और 66वीं बीपीएससी से पहले जो क्वेश्चन जो कभी भी जो कवक से नहीं पूछा था, प्रथम बार जो है कवक जगत से पूछा गया है 66वीं बीपीएससी में। इससे पहले जो है कहाँ से पूछा जाता था? तो प्राणी जगत से और पादप जगत से, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा जो है पादप जगत से जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा मोर देन वन। क्यों? तो देखिए यह जो खाद्य सामग्री को संग्रहित भी करता है, और यह जो मिट्टी में जो क्षैतिज रूप से जो है बढ़ता है, तो इसलिए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला है जो कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हम बताए थे कि आपको जो है पौधे के जितने भी भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इससे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, तो यहाँ से जो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या देना है आपको? तो इसका आंसर देना है डी, देना है फूल की कली। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। और यह भी जो है जंतु और पादप दोनों जगत से जो है मिलाकर जो है पूछा है। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो यह किसने लिखी थी? तो यह जो है डार्विन ने लिखी थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डार्विन। और अगर इसके बारे में बात करें तो यह जो है इंग्लैंड के जो है जैव विकासवीर थे। क्या थे? इंग्लैंड के जो है जैव विकासवीर थे, और इन्होंने ही जो है विकासवाद जो है प्रस्तुत किया था। तो इतने फैक्ट जो है आपको याद रखना है। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उत्पत्ति हुआ है, यानी कि उद्गम हुआ है, बोलना कि कब हुआ है? तो इसका आंसर आपको डी देना है, 2 अरब वर्ष पूर्व।
25 नंबर का क्वेश्चन डायनासोर थे तो कौन से वर्ग के थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोजोइक सरीसृप। 26 नंबर का क्वेश्चन आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, बोल रहा है कि कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेंकिंग मानुष। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो अभी तुरंत बताए थे डार्विन ने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर क्या देना है, बी देना है। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, तो इसका आंसर हो जाएगा हावग्रो डी विरिज ने। और अगर इसकी बात करें तो हावग्रो डी विरिज जो है हॉलैंड के जो है पादप शास्त्री थे, कौन थे, तो हॉलैंड के जो है पादप शास्त्री थे। अब 29 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से जो मछली है, तो कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से जो है मछली है। अगर बात करें कि यह जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो यह जो है संघ सिलिन्ट्रेट के जो है जंतु है, किसके, तो संघ सिलिन्ट्रेट के जो है जंतु है। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, बोल रहा है कि किसकी किस्म है, तो इसको आंसर देना है कुक्कुटों की, किसकी, तो कुक्कुटों की जो है यह जो है किस्म है। अब 31 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा चमगादड़ जो है यह जो है पक्षी वर्ग में जो है नहीं आता है। अब 32 नंबर का क्वेश्चन है मानव सदृश लघुतम कपी है, बोला कि कौन जो है मानव के जैसा ही लघुतम मतलब कि छोटा जो है बंदर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा गिबन जो है यह है। वहीं अगर बात करें कि आखिर चिंपैंजी क्या है, तो देखिए चिंपैंजी गोरिल्ला और ओरंगटांग जो बड़े आकार के जो कपी बंदर होते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि एम्फीबिया बताता है, तो आप ही बताइए एम्फीबिया वर्ग में क्या बताया गया है कि यह जो है स्थल पर जो रह सकने वाले जो है जीव होते हैं चाहे जंतु होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो मेढक टोंड इत्यादि जो है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। अब 34 नंबर का क्वेश्चन है जुगनू होता है एक, बोला कि जुगनू क्या है, तो देखिए जुगनू जो है एक कीट है, आप देखे होंगे कि रात को जो है चमकता रहता है, तो वही जो है जुगनू होता है। और इसके पास जो है वो क्षमता होती है, कौन सी क्षमता, तो दीप्ति उत्पन्न करने की जो है क्षमता होती है। और यह किस लिए करते हैं, तो यह जो जानवरों का शिकार करने के लिए जो है इसका जो है उपयोग करते हैं। और अगर बात करें कि जुगनू की चमक जो है किस एंजाइम के कारण होती है, तो देखिए जुगनू की चमक जो है ल्यूसीफेरस नामक जो एंजाइम होती है उसी के कारण जो यह जो है चमक होती है। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे को जो इसमें जो है डिस्कस कर दिए, कुछ जो है वन लाइनर थे जिसे जो आपको जो याद रखना है, वैसे तो यह चैप्टर में आपको ज़्यादातर जो याद रखना है जैसे हो आपको जो है याद कर लेना है सभी का उदाहरण, और यह जो जीव है या किसके अंतर्गत जीव आते हैं, ये सब तो आपको जो याद ही रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में। गुड नाइट, टेक केयर।